Hello and good morning guys of class 7. Myself Taurav Srivastava started going to teach you today history chapter 1 the medieval period part 2. Part 1 पढ़ा के मैंने इसके कुछ टॉपिक को छोड़ दिया था और फिर मैंने chapter 2 start कर दिया था. तो आज मैं उस बचे हुए पार्ट को यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था चैप्टर वन का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसको मैं आज कंप्लीट कर दूंगा. तो चैप्टर वन कंप्लीट हो जाएगा, इसके सारे क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, कंप्लीट करके इसे आप बुक में सेव करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, लिसन केयरफुली. ओके, लिसन केयरफुली एवरीवन. न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, पहली हेडिंग जो है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप. सबसे पहले मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इसके बारे में. सो लेट्स बिगिन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर वन. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. ओके, तो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, मतलब जब मेडिवल पीरियड चल रहा था उस टाइम पे मेनी न्यू सोशल ग्रुप्स इमर्ज्ड. तो कई सारे जो सोशल ग्रुप्स थे, जो छोटे छोटे सोशल ग्रुप्स थे, वो आपस में क्या हो गए थे, मिल गए थे. ओके, सम ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्सो बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल. और इसमें से कुछ ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना करके अपने आप को क्या कर लिया था, स्ट्रॉन्ग कर लिया था. ध्यान दीजिएगा, Among them were the Rajput. उनमें से क्या थे, कुछ राजपूत थे जो राजस्थान में वॉरियर्स का काम कर चुके थे. वॉरियर्स का मतलब योद्धा का काम कर चुके थे. And who were a religion group of warriors of Rajasthan and its who and surroundings. Sikh, जो Sikh religion से belong करने वाले लोग थे पंजाब के, और जाट्स हरियाणा के. ठीक है, And who were farmers, the Ahoms, who conquered and ruled आसाम. ठीक है, Ahoms लोग जो आसाम के रहने वाले थे, ध्यान दीजिएगा नाम पे. एंड द मराठास, ठीक है, whom were warriors of महाराष्ट्र. इन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं अपने सोशल ग्रुप को क्या किया, छोटे छोटे ग्रुप को कंबाइन किया और बड़े बड़े पॉलिटिकल ग्रुप में राज्यवाद. राज्यवाद का मतलब होता है हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग ये लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते चले गए. हम देखते हैं कि हर एक स्टेट में वहां की स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जरूरी नहीं कि जो गवर्नमेंट सेंट्रल में है वही स्टेट में भी होगी, और जो सेंट्रल स्टेट में वही, मतलब वहां की क्षेत्रीय पार्टी हम कह सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट रहती है वहां की. ठीक है, मेनी न्यू सोशल ग्रुप्स वेयर अब्सॉर्ब्ड इनटू द कास्ट सिस्टम. कई सारे सोशल ग्रुप्स ने अपने आप में कास्ट सिस्टम को एब्जॉर्ब किया. कास्ट सिस्टम का मतलब होता है जाति प्रथा, मतलब जिसमें विशेष जाति के लोग रहते हैं. जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टी है, समाजवादी पार्टी हुई, तो इसमें क्या है, सिर्फ यादव लोग का बोलबाला ज्यादा रहता है, या हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कमल का फूल जिसका निशान है, उसने हम देखते हैं कि बड़े लोगों की महत्ता ज्यादा रहता है. तो हम कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम वाली पार्टी तो इसको ज्यादा वो नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द राजपूत हु ऑलवेज वॉन्टेड टू बी हीरोइक एंड नोबल गॉड क्षत्रिय वॉरियर्स कास्ट स्टेटस. मतलब जैसे कि राजपूत लोग जो ये चाहते थे, राजस्थान के राजपूत लोग जो ये चाहते थे कि उन्हें हमेशा सम्मान मिले, नोबल मिले, और उन्हें डिग्निटी के साथ जीने का मौका मिले. ठीक है, इसलिए उनको क्षत्रिय वंश बोला जाता था या क्षत्रिय कास्ट से बुलाया जाता था. With the expansion of agriculture and trade, wealthy landowners and trade acquired high social status. ठीक है, जैसे जैसे एग्रीकल्चर यानी कि खेती बढ़ती गई, ट्रेड बढ़ता गया, संपत्ति लोगों की बढ़ती गई, जमीन बढ़ती गई, उनका ट्रेड बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी सोसाइटी में स्टेटस जो क्या होती गई, वो हाई होती चली गई. बात समझ रहे हैं? ओके, देन विथ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, मतलब जैसे जैसे एग्रीकल्चर बढ़ता गया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स ट्राइबल हर्डर्स एंड इवन सम आउटकास्ट टुक टू कल्टिवेशन एंड वेयर अब्सॉर्ब्ड इनटू द शूद्र कास्ट. ठीक है, छोटे कास्ट वाले लोग ने, जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर और ट्राइबल पीपल ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी क्या किया, खेती करना शुरू किया. ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स का काम शुरू किया, और इनको सबसे नीचा कास्ट यानी कि शूद्र कास्ट बोला, सॉरी नीचा नहीं, शूद्र थर्ड नंबर पे आता है. सम पीपल टुक टू न्यू प्रोफेशंस बिसाइड देयर ट्रेडिशनल वंस. कुछ लोगों को उनके ट्रेडिशन के बल पे जाना जाता है. जैसे मान लीजिए कि कोई अगर लोहे का काम कर रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है, तो उसे हम लोहार बोलते हैं. ओके, जो लिखने पढ़ने का काम करता है उसे हम कायस्थ बोलते थे पहले, आज नहीं बोलते हैं.
और जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी उनको राय साहब बोला जाता था, या हम कह सकते हैं जमींदार बोला जाता था, भूमिहार बोला जाता था। तो पहले ये कास्ट सिस्टम था, आज तो सारे काम सारे लोग करते हैं, तो आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फॉर इंस्टेंस तो ब्राह्मण्स वेयर द हाईएस्ट कास्ट, उसमें ब्राह्मण को सबसे ऊंचा कास्ट माना जाता था, एंड सम ब्राह्मण्स एंटर्ड लोअर कास्ट प्रोफेशंस लाइक एग्रीकल्चर ट्रेड एंड क्राफ्ट। उसमें से कुछ ब्राह्मण जो गरीब थे उन्होंने छोटे कास्ट की एक्टिविटी को अपनाया, जैसे कि खेती करना या ट्रेड करना या क्राफ्ट के काम, मतलब बर्तन वर्तन बनाने के काम, कलाकारी के काम को उन्होंने अडॉप्ट किया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनकी कंडीशंस ने, प्रेजेंट कंडीशंस में उनको ये काम कर रहा है। तो आज के टाइम में यही है कि कोई काम कोई करे उससे कोई मतलब नहीं है, कोई काम कोई भी कर सकता है, मतलब आज के टाइम में कास्ट सिस्टम ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। अब दूसरी बात आती है कि जाति, आखिर जाति बनी कैसे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो जाति तथा ग्रोथ ऑफ न्यू प्रोफेशंस गिव राइज अ लार्ज नंबर ऑफ सब कास्ट इज कॉल्ड अ जाति। मतलब कि पहले देखिए जातियों को चार ग्रुप में डिवाइड किया गया था, पहले सबसे टॉप पे आते थे क्या, ब्राह्मण, ब्राह्मण सबसे टॉप पे आते थे, ब्राह्मण के बाद आते थे वैश्य, नहीं ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय आते थे, के एस एच टी आर आई वाई एच क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद आते थे शूद्र, ठीक है। सबसे टॉप पे ब्राह्मण होते थे, इन लोगों को पढ़ने लिखने की आजादी थी, कहीं आने जाने की आजादी थी, सब कुछ कर सकते थे। क्षत्रिय लोग क्या करते थे, इनका काम था देश की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, स्टेट की रक्षा करना। वैश्य और शूद्र को इनके काम के आधार पर क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। मतलब क्षत्रिय लोग कुछ भी, मतलब ब्राह्मण लोग कुछ भी कर सकते थे। देखिए द जाति द ग्रोथ ऑफ न्यू प्रोफेशंस की, मतलब अलग अलग काम जब लोगों ने करना चालू किया तो उन काम के आधार पर इनको सब जाति, सब जाति का मतलब होता है कि जाति की कैटेगरी, जैसे कि हिंदू एक जाति हो गई। ओके, अब हिंदू में किसी को यादव बोला जाता है, किसी को शर्मा बोला जाता है, किसी को राय बोला जाता है, किसी को श्रीवास्तव बोला जाता है, ठीक है, किसी को विश्वकर्मा बोला जाता है, किसी को वर्मा बोला जाता है। तो पहले ये सारे जो टाइटल मिले हुए काम के आधार पर मिले हुए, जो काम लोग करते थे उस काम के आधार पर इनको टाइटल दे दिए जाते थे। गुप्ता लोग बनिया की दुकान होती है ना, ग्रोसरी की शॉप होती है, ठीक। राय लोग को भूमिहार, यानी कि इनके पास जमीनें ज्यादा होती थी। कायस्थ लोग लिखना पढ़ना जानते थे। श्रीवास्तव लोग, तो उन लोग को वो काम दे दिया जाता था। तो ये सारी चीजें थी, पहले काम के आधार पर लोगों को बांट दिया गया था। ओके, जाति कंसिस्टेड ऑफ पीपल हु वेयर इन द सेम प्रोफेशन, ठीक है। ऐसे सारे लोग जो एक ही तरह के काम करते थे उनको एक जाति का माना जाता था, ठीक है। जैसे कि कायस्थ और सब कास्ट ऑफ स्क्राइब्स, जो कायस्थ, जैसे कि हम लोग श्रीवास्तव लोग कायस्थ कहलाते हैं, राय लोग कायस्थ कहलाते हैं, गौड़ लोग कायस्थ कहलाते हैं, ठीक है। द कायस्थाज रोज टू प्रोमिनेंस, कायस्था को सबसे ऊंची स्टेटस इसलिए दी गई थी, कायस्थ का मतलब जैसे हम लोग राय साहब लोग और श्रीवास्तव जी लोग को सबसे ऊंचा स्टेटस इसलिए दिया गया था क्योंकि इनका काम क्या था, बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन, क्योंकि किसी भी चीज को लिख के रखना ये उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट काम था, क्योंकि उस समय बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे, तो इसके बेस पे उनको बहुत अच्छा स्टेटस दिया गया था, ठीक है। तो कायस्थ उस समय काफी अच्छे स्टेटस में थे। द जातीज हैड देयर ओन रूल्स, जातियों के अपने रूल रेगुलेशन होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग होता था, ठीक है। बिसाइड्स इसके अलावा ऑल द जातीज हैड टू फॉलो द सिविक रूल्स, ठीक है। अपने रूल रेगुलेशन के अलावा उस राज्य में जो राजा रहता था जाति को उस राजा के रूल्स को भी फॉलो करना होता था। ओके ओके, अब देखिए इंटरेक्शन विद फॉरेनर्स, अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई फॉरेनर्स आ गया तो हम उससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्शन विद फॉरेनर्स, विदेशी लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन कैसा था। शुरू में हमने ऐसा क्या किया कि हम उनसे बात कर पाते थे, उनके कस्टम्स को जान पाते थे। मेनी फॉरेन ट्रेडर्स सेटल्ड इन द प्रॉस्पेरस सिटीज विच ग्रीव अलोंग इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड द नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर, मतलब इंडिया में जो फॉरेनर आए वो मेनली कहां पे है, कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज कहां पे है। तो अगर आप इंडिया के मैप को ध्यान से देखेंगे ये, तो ये एरिया आपको जो वी शेप में दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा कोस्टल एरिया कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि हिंद महासागर, हिंद महासागर समझ रहे हैं, इंडियन ओशियन जो है वो इसी पार्ट को कहते हैं, इंडियन ओशियन का कुछ पार्ट और पैसिफिक ओशियन का कुछ पार्ट हमारे इस कोस्टल लाइन के चारों तरफ पड़ता है। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया, ठीक है, कितने समुद्रों से घिरा या किन दिशाओं से या किस कितने डायरेक्शन से समुद्र से घिरा हुआ, तो हम कहेंगे थ्री डायरेक्शन, एक डायरेक्शन, दो डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन। ओके, तो कोस्टल लाइन वो हुआ, तो वहां पे सबसे पहले फॉरेनर, क्योंकि प्लेन तो बना नहीं था पहले की, उड़ के आ जाएंगे, पहले शिप थी, पानी में जो चलती थी तो उसी से आते थे।
They brought along their religious beliefs, social custom. उनका अपना religion था, social custom अलग था, craft अलग था. ठीक है, उनका social beliefs अलग था, मतलब वो अलग तरह की चीजों में विश्वास करते थे. सोशल कस्टम्स अलग थे, क्राफ्ट अलग था, उनकी टेक्नोलॉजी अलग थी, फ्रूट वेजिटेबल भी वो अलग तरह के खाते थे. मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में पहले से मौजूद नहीं थी, जैसे कि काजू जो हम खाते हैं वो पुर्तगाल वाले हमारे यहाँ पे, या हम जो आलू खाते हैं वो भी पुर्तगाल वाले हमारे यहाँ पे. कपड़े पहले हम लोग सिल के नहीं पहनते थे, कपड़े को ऐसे हम लोग लपेटते थे ऐसे, तो उस कपड़े को सिल के पहनना हमको विदेशी फॉरेनर्स ने हमें सिखाया. अब पूछेंगे किसने हमें कपड़े सिल के पहनना सिखाया, तो एक राजा थे, आए थे यहाँ पे कुशान नाम का एक राजा आया था यहाँ पे, उसने हमें कपड़े सिल कर पहनना सीखा. मतलब सबसे लोगों ने कपड़े सिले हुए पहन कर आया, तो उनसे हमने सीखा कि कपड़े को सिल कर भी पहना जा सकता है. तो शॉर्ट पैंट की शुरुआत वहां से हुई. फॉर इंस्टेंट इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस टू चाइनीज सेरिकल्चर. ठीक है, फॉरेनर के आने से ही इंडिया को चाइनीज सेरिकल्चर, मतलब चाइनीज रेशम के जो कपड़े होते थे वो चाइना में ही सिर्फ प्रोड्यूस होते थे, और चाइना ने बहुत लंबे समय तक किसी भी कंट्री को इसके बारे में बताया नहीं था कि हम लोग सहतूत के जो कीड़े होते हैं सेरिकल्चर के थ्रू हम लोग रेशम के कपड़े बना सकते हैं. ये किसी को बताया नहीं था, क्योंकि इंडिया अगर बता देता तो प्रोडक्शन वहां भी होने लगता, तो फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो महंगा नहीं बिकता पूरे वर्ल्ड में. तो बहुत समय तक उसने बताया नहीं था. ठीक है, सेरिकल्चर क्या होता है, तो सेरिकल्चर को हम डिटेल में बताते हैं. सेरिकल्चर सिल्क प्रोडक्शन बाय रेजिंग सिल्क वर्म, मतलब सिल्क के कपड़े को या सिल्क के धागे को सिल्क वर्म कीड़े से निकालना ही सेरिकल्चर कहलाता है. एंड लेचिस एंड द पर्शियन वाटर व्हील. ओके, द टर्क्स ब्रॉट प्लम्स पीचेस, ठीक है, एप्रीकॉट्स मेलॉन्स को मतलब जानते हैं ऑरेंज, ठीक है, लेमन्स. एंड द पुर्तगीज ब्रॉट पोटैटो टोमेटो एंड चिली. देखिए कुछ भी हमारे देश में नहीं था, लगभग सारी चीजें जो टेस्टी होती हैं कुछ भी हमारे देश में नहीं थी. देखिए क्या क्या, टर्की के लोगों ने हमारे यहाँ पे प्लम्स लाए, पीचेस लाया, एप्रीकॉट्स लाए, मेलॉन्स वाटर मेलॉन्स, ओके, ऑरेंज लाए, लेमन्स लाए. एंड द जो पुर्तगाल के लोग थे वो लोग हमारे यहाँ पे क्या लाए, पोटैटो लाए, टोमेटो लाए, और साथ में चिली यानी कि मिर्च को लाए. देखिए सारी टेस्टी चीजें विदेशों से आई हैं. आप समझ सकते हैं कि अगर विदेशी हमारे यहाँ नहीं आते, फॉरेनर हमारे यहाँ नहीं आते, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें देखने को नहीं मिलती. ओके, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन. अब देखिए पुराने धर्म और नए धर्म में क्या अंतर था, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के बारे में हम बात करेंगे. तो हिंदुइज्म वेंट थ्रू सम चेंजेस इन द मेडिवल पीरियड, यानी कि हिंदू जो है वो सनातन धर्म से उत्पन्न हुआ है. तो हिंदू धर्म में धीरे धीरे क्या हुए, चेंजेस आते गए, और मेडिवल पीरियड में उससे बहुत बड़ा चेंज आया. न्यू डेटीज केम टू बी वर्शिप, अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी. द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ट्राइबल एंड फॉरेस्ट ग्रुप्स इनटू हिंदू सोसाइटी ब्रॉट सम ट्राइबल आइडियाज ऑफ वर्शिप इनटू हिंदुस्तान. और ट्राइबल पीपुल मतलब जितने जनजाति थे वो, और हिंदू में जो छोटे छोटे काज थे, उन्होंने अलग तरह के देवी देवताओं की पूजा करनी क्या करती स्टार्ट कर दी. बिल्डिंग टेम्पल्स टू देयर गॉड्स एंड गॉडेस, उन भगवान के लिए मेडिवल पीरियड में मंदिर बनाए जाने लगे, अलग अलग तरह के मंदिर. जैसे यूपी में देखेंगे तो मंदिर की बनावट कुछ और होगी, अब बिहार में जाएंगे तो मंदिर की बनावट कुछ और होगी, तमिलनाडु में जाएंगे तो मंदिर की बनावट कुछ और होगी. मतलब अलग अलग स्टेट के लोग अलग अलग देवी देवता की पूजा करते थे, और उनके लिए अलग अलग तरह के घर को डिजाइन करते थे. और उस समय पे देवी और देवता दोनों की पूजा होती थी. तो इसका मतलब ये निकलता है कि उस समय लड़का और लड़की को क्या मेडिवल पीरियड में इक्वल माना जाता था. ओके, the deities worshipped in these temples often represented the qualities that an idol ruler was expected to have. ठीक है, अगर किसी राजा में अच्छे मंदिर रहते थे, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे डिजाइन के मंदिर रहते थे, तो इसका मतलब ये होता था कि उस राज्य में जो राजा है वो बहुत अच्छे से वहां की जनता की देखभाल कर रहा है, और वहां पे मतलब क्या है, हिंदुज्म या हिंदू को ज्यादा माना जाना जा रहा है. रूलर्स ऑल्सो पेट्रोनाइज लर्न ब्राह्मण्स. ठीक है, जो राजा थे वो ब्राह्मण से सीखते थे. ग्रांटेड देम टैक्स फ्री लैंड, और ब्राह्मण को जो जमीन दी जाती थी उस जमीन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लेते. ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण को जो जमीन दी जाती थी उस जमीन पर कोई भी टैक्स उस ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था. क्लियर है? ओके, दस मेनी ब्राह्मण्स बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल. तो धीरे धीरे ब्राह्मण क्या हुए, उनके पास पैसे आने लगे, जमीन आने लगी, और वो वेल्दी यानी कि संपत्ति वाले हो गए, और पावरफुल यानी कि उनके पास अब पावर भी हो गई, क्योंकि टैक्स देना नहीं था, और साथ में पढ़े लिखे थे, और साथ में बांटने का काम भी इन्होंने ही किया था. तो कहीं ना कहीं ये सबसे टॉप पे चले गए, और नीचे जितनी आई वो धीरे धीरे क्या हो गई, और छोटी होती चली गई.
ठीक है। अब देखिए इस्लाम, इस्लाम का मतलब आज का जो हम देखते हैं हिंदू मुसलमान, तो हिंदू के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब इस्लाम कहां से आया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर इस्लाम का उदय आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा कि इस्लाम द रिलीजन ऑफ मुसलमान, इस्लाम जिसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मानते हैं, इसका जो जन्म है वो अरब कंट्री में हुआ था। कब? तो 17th century AD। एडी का मतलब एनो डोमिनी, ओके, 17th सेंचुरी में हुआ था। यानी कि अभी इसका एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। इस्लाम इज सेंटर्ड ऑन द बिलीफ ऑफ वन गॉड, ठीक है। इस्लाम यानी कि मुस्लिम लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान एक है, उसमें देवी देवता अलग अलग हिंदू की तरह नहीं माना जाता, ओके। मतलब वो लोग सिर्फ अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह है, सिर्फ एक है, उनके सिवा वो लोग किसी को नहीं मानते, ओके, ठीक है। इस्लाम इज सेंटर्ड बिलीफ ऑफ गॉड अल्लाह, द टीचिंग ऑफ हिज लास्ट वर्ड, उनके द्वारा दी गई शिक्षा ही, मतलब जो कुरान में लिखा हुआ है मुस्लिम लोग उसी को मानते हैं, और जो कुरान में लिखी गई है बात है उसको मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ है। दीज टीचिंग आर कंटेंड इन द होली बुक कॉल्ड द कुरान, ओके। आफ्टर प्रोफेट मोहम्मद डेथ, मोहम्मद साहब की डेथ के बाद कैलिफ और खलीफा सक्सीडेड इन द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड, मोहम्मद साहब की डेथ के बाद कैलिफ, कैलिफ का मतलब होता है खलीफा, खलीफा का मतलब मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी था, जैसे राजा का बेटा पहले राजा बनता था, उसी तरह मोहम्मद साहब के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी को, उत्तराधिकारी का मतलब जो अब इस्लाम को संभालेगा या इस्लाम की टीचिंग्स को दुनिया में फैलाएगा, उसको खलीफा बोला जाता था, ओके। तो उसके खलीफा ने अपने रिलीजन को या पॉलिटिकली संभालने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी को फैलाना शुरू किया। लेटर द कम्युनिटी स्प्लिट इनटू टू मेजर सेक्शंस, ठीक है। बाद में इस्लाम को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्या? पहले को बोला गया सिया, SHIA, ठीक है, SHIA, हाँ, SHIA, सिया, और दूसरे को बोला गया क्या? सुन्नी, SUNNI। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा, और ऐसा शायद है भी, जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे वो उनको ये बात पता होगी, ओके। सुन्नी, द सियाज रिगार्डेड मुहम्मद्स सन्स इन लॉ अलीज एट द प्रोफेट ट्रू सक्सेसर। ऐसा माना जाता है कि जो सिया लोग हैं वो मुहम्मद साहब के सन इन लॉ के परिवार के लोग हैं, ऐसा माना जाता है, ओके, और उनके टीचिंग्स को वो फॉलो करते हैं। दे बिलीव, उनका ऐसा विश्वास है कि जो खलीफा है इज अपॉइंटेड बाय डिवाइन विल, खलीफा ने इनको क्या किया है, अपॉइंट किया है, मतलब जो सिया लोग हैं वो एक्चुअल में मोहम्मद साहब की फैमिली से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं, ओके। द सुन्नीज, और सुन्नी लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि खलीफा शुड बी चूजन बाय द होल कम्युनिटी, खलीफा जो है वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम कुरान, कुरान के अलावा दे फॉलो द सुन्ना, वो सुन्ना को भी फॉलो करते हैं। अब सुन्ना क्या होता है, तो कस्टम्स एंड लॉज बेस्ड ऑन द डीड्स एंड द वर्ड ऑफ मोहम्मद, मतलब मोहम्मद साहब ने जो कहा विश्व के कल्याण के लिए, उनकी टीचिंग्स को फॉलो करने वाले लोगों को सुन्ना बोला गया है। तो सुन्नी और सुन्ना कहीं ना कहीं क्या है, एक ही चीज है, तो इसे आप अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं, एक ही चीज है, एक साथ करके भी पढ़ सकते हैं, ओके। इस्लाम वॉज ब्रॉट इन टू इंडिया बाई अरब ट्रेडर्स, इंडिया में जो इस्लाम धर्म है वो अरब से जो लोग आए थे ट्रेनिंग करने के लिए, उन लोगों ने इस्लाम धर्म को इंडिया में लाया। लेटर मुस्लिम कॉन्कर्ड एस्टेब्लिश किंगडम इन इंडिया, बाद में मुस्लिम अरब जो थे या दूसरे देश से जो मुसलमान आए थे उन्होंने यहाँ पे क्या किया, दूसरे राजाओं को हरा करके अपने शासन को स्थापित किया, ओके। दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लाम लॉ, और यहाँ पे उन्होंने इस्लाम के रूल रेगुलेशन के हिसाब से शासन किया। उलेमा, उलेमा किसको कहा जाता है, तो उलेमा में उलेमा, देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, उलेमा, ठीक है। तो उलेमा क्या होता है, एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉ, ऐसे सारे लोग जो इस्लाम या कुरान में लिखी हुई बातों को बहुत ध्यान से लोगों को बताते हैं, या उनके एक्सपर्ट को, कुरान के एक्सपर्ट को क्या बोला जाता है, उलेमा बोला जाता है। रिसीव्स देयर पेट्रोनेज अमंग द वेरियस स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ से रिलेटेड जितने भी स्कूल हैं उसमें उलेमाओं की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किया जाता है। द हनाफी स्कूल बिकेम पॉपुलर इन इंडिया, हनाफी स्कूल इंडिया में इस्लामिक लॉ के लिए क्या है,
बहुत ज्यादा पॉपुलर है. इट वॉज मेड पॉपुलर बाय द टर्किश रूलर. और इसको किसने पॉपुलर किया? टर्किश रूलर, यानी कि टर्की के राजाओं ने इसको पॉपुलर किया था. ओके, अब देखिए लास्ट पैराग्राफ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ. फेथ्स बेस्ड ऑन डिवीजन. डिवीजन का मतलब लोगों को जो बांटा गया है ना, ये ऐसा बांटा वाला सिस्टम पहले नहीं था, बाद में ऐसा सिस्टम आ गया. तो देखिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि टुवर्ड द एंड ऑफ द एंशिएंट पीरियड, मतलब जैसे जैसे एंशिएंट पीरियड खत्म होता चला गया, अराउंड द सेवेंथ सेंचुरी में सेवरल हिंदू रिलीजन थिंकर ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के कई सारे हिंदू रिलीजन थिंकर्स ने सोचा कि चैलेंजेस ब्राह्मण डोमेन, क्यों ना जो ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा माना जाता है और ये सब लोग मतलब ब्राह्मण ने इनको बांट के रखा हुआ है नीचे वालों को, क्यों ना इनको एक किया जाए, मतलब जाति को क्या किया जाए, खत्म किया जाए. इन लोगों ने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया. दे स्ट्रेस ऑन भक्ति पर्सनल डिवोशन ऑफ गॉड, मतलब ब्राह्मण जो भगवान को अपना पर्सनल रिश्तेदार बताते थे ब्राह्मण लोग, उनके वर्चस्व को खत्म करने के लिए भक्ति मूवमेंट की शुरुआत 7th सेंचुरी में होती है. ओके, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मिडिल मैन, इसके बीच में कोई नहीं आता है. दिस इज कॉल्ड द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में. इट बिगेन ओनली अराउंड द 13th सेंचुरी. भक्ति मूवमेंट की शुरुआत 13th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में होती है. द भक्ति मूवमेंट अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. भक्ति मूवमेंट में जाति बंधन कोई नहीं था, किसी भी जाति का कोई भी पीपल, अमीर गरीब छोटा बड़ा काला गोरा, सारे लोग आ सकते थे और जुड़ सकते थे. कहीं ना कहीं भक्ति मूवमेंट किसके लिए था? जातियों को एक करके एक रिलीजन में बांधने के लिए, ना कि उनको बांटा जाए जातियों में, इसके लिए था. अब लास्ट है सूफिज्म. सूफी लोग जो होते हैं, फ्रॉम अराउंड द 8th सेंचुरी के आसपास सम मुस्लिम बिगैन टू इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू. ठीक है, कुछ लोग जो थे वो हिंदू के, मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोग जो थे वो हिंदू के रूल रेगुलेशन को थोड़ा थोड़ा मानते थे. ग्रीक एंड बुद्धिस्ट रिलीजन आइडियाज, कुछ लोग ग्रीक के आइडिया को मानते थे, कुछ लोग बुद्ध के आइडिया को मानते थे. दिस गेव राइज टू फेथ कॉल्ड सूफिज्म. और सारी आइडिया को अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके आइडिया को मिला दिया जाए तो एक नई रिलीजन का जन्म होता है जिसे सूफी बोला गया. ठीक है, क्या बोला गया? सूफी. बिसाइड इसके अलावा डिवोशन ऑफ वन गॉड, इसमें एक गॉड को माना जाता था. इट प्रीचेस ब्रदरहुड, इसमें भाईचारे की या ब्रदरहुड की बात की जाती थी. एमंग मेन द, ठीक है, मेन मतलब मेल और फीमेल को इसमें सूफी में अलग अलग करके नहीं देखा जाता था. आफ्टर द टर्किश इन्वेंशन, टर्की लोगों के इन्वेंशन के बाद मेनी सूफी सेंट केम टू इंडिया, कई सूफी इंडिया में आए और अपने धर्म को फैलाने की कोशिश की. तो चैप्टर वन जो आपका बाकी था वो आज क्या हो गया, खत्म हो गया. वीडियो काफी लंबा है, इसे आप ध्यान से देखेंगे और इस चैप्टर वन के जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे. चैप्टर टू का फर्स्ट पार्ट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी मैं लेके आऊंगा. ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे.